तो लोकसभा चुनाव अंतिम दौर में है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में बंगाल की ममता सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि टीएमसी बंगाल में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। बीजेपी को सबसे ज्यादा सफलता पश्चिम बंगाल में ही मिलने जा रही है। बंगाल के चुनाव में टीएमसी पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आपने देखा होगा पिछले असेंबली के चुनाव में हम तीन थे, तीन में से बंगाल की जनता ने हमें 80 पर पहुंचा दिया। हमें लोकसभा के अंदर भारी बहुमत पिछले चुनाव में मिला था। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। पीएम मोदी ने अपने इंटरव्यू में विपक्ष पर अपशब्दों का प्रयोग करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले 24 साल से गालियां खा खाकर गाली प्रूफ बन गए हैं। मैं तो पिछले 24 साल से गालियां खा खा करके गाली प्रूफ हो गया हूं। मौत का सौदागर किसने कहा था, गंदी नाली का कीड़ा किसने कहा था? और मेरे यहाँ तो पार्लियामेंट एक दिन हमारे एक साथी ने हिसाब लगाया था, 101 गालियां गिनाई थी। तो चुनाव या चुनाव न हो, ये लोग मानते हैं कि गालियां देने का हक उनका ही है और वे हताश निराश इतने हो चुके हैं कि गालियां देना, अपशब्द बोलना, ये उनके शायद जहन में है, उनके स्वभाव में हो गया है। इधर कोलकाता में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी और मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर हम सीपीएम को उखाड़ फेंक सकते हैं तो बीजेपी को भी बंगाल से उखाड़ फेंकेंगे। बंगला नहीं लेने से आजादी नहीं होता, आज भी याद रखना बांग्ला ही रहा है। इसी के लिए हम अगर सीपीएम को ऊपर उखाड़ दे सकते थे तो हम बीजेपी को भी उखाड़ देंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है।